महिदपुर नगर में बीमारी के दौरान इलाज करवाने के बाद क्षेत्र के रहने वाले इब्राहिम भाई के दोनों पैरों में पैरालिसिस हो जाने के कारण चलने फिरने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। क्षेत्र के अनिल आंचलिया ने समाज सेवी विजय सिंह गौतम से इस विषय पर चर्चा की तो समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने तुरंत उनकी सहायता के लिए अपने निजी खर्चे से एक ट्राईसाइकिल इब्राहिम भाई को उनके निज निवास पर जाकर भेंट की, साथ ही उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। ये नर सेवा ही नारायण सेवा है। आज मैं यहाँ अवार में हूँ, महितपुर का ये क्षेत्र है और यहाँ पर हमारे इब्राहिम साहब हैं जिनको काफ़ी दिनों से पैरालिसिस हुआ और लकवे का एक ऐसा असर हुआ कि उनके दोनों पैर करीब करीब चिपके से हैं। उनको चलने में बैठने में सब दूर असुविधा है। जब हम दादा के साथ में अभी दो दिन पहले यहाँ प्रचार करने आए थे तो यहाँ पर क्या बोले, मुझे दादा ने बुलाया और कहा कि क्या ले एक ऐसा काम है जहाँ तुमको करना है। मैंने दादा के शॉर्ट आदेश पे मैंने क्या ले इब्राहिम साहब के लिए इंदौर से एक ट्राईसाइकिल का इंतजाम किया। एक आपको व्हील चेयर भी मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, एक ये ट्राईसाइकिल भी दे रहा हूँ। आज अपनी ओर से आज क्या ले हमने इब्राहिम साहब को अवार में अपनी ओर से ये दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ परमपिता परमेश्वर से कि निश्चित रूप से इब्राहिम साहब को स्वास्थ्य लाभ हो। आज हमारे बीच में हमारे अनिल आंचलिया जी, ईश्वर भैया, हमारे विक्रम जी, हमारे विजय बन्ना साहब, मेरे भाई जाकिर मुल्तान साहब, हमारे सब लोग आज हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं इनका धन्यवाद देता हूँ और मैंने जो काम किया है ये मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है और निश्चित रूप से इब्राहिम साहब के लिए ये हमने आज ट्राईसाइकिल दी है। इंदौर से मंगाई, यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाई तो आज दो दिन हो गए, हमने वादा किया तीन दिन हुए और कल व्हील चेयर भी मैं इनके लिए भेज रहा हूँ। निश्चित रूप से मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ इब्राहिम साहब को और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि निश्चित उनको जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिले और ये इस गाड़ी के अलावा भी अपने पैरों से चल सकें, मेरी यही भावना है। और हमारे बीच में ये सब पूरा श्रेय हमारे दादा को जाता है। आपके आशीर्वाद से और आपके एक आदेश में ही मैंने ये काम किया है और मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दादा को हमारी ओर से बधाई, उनके चरणों में नमन करता हूँ। इब्राहिम साहब को और पूरे हमारे अवार मोहल्ले को भी मेरी ओर से बधाई। सर्वप्रथम मैं माननीय गौतम जी का जो समाज सेवा का प्रण और संकल्प लिए हुए महितपुर विधानसभा के उन तमाम वासिंदों की सेवाएं निस्वार्थ रूप से कर रहे हैं। कहते हैं ना, नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकता। और गौतम साहब का मैं किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, इन शब्दों की अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं कि हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे जिनके होठों पर हंसी और पाँव में छाले होंगे, जिनके होठों पर हंसी और पाँव में छाले होंगे। पीड़ित मानवता की सेवा, विकलांग व्यक्तियों की सेवा और जो व्यक्ति काफ़ी समय से त्रस्त और परेशान था, इस साइकिल के लिए शासन स्तर पर कई बार गुहार लगा चुका था लेकिन साइकिल इनको आज तक प्राप्त नहीं हुई। हम देख रहे हैं कि न चल पाते, न उठ पाते, न बैठ पाते हैं। आज ट्राईसाइकिल से ये मस्जिद में नमाज अदा करने भी जाएंगे और गौतम साहब और जो पीड़ित मानवता की सेवा के लिए अग्रसर है उनके लिए ईश्वर से दुआ भी करेंगे, मालिक से दुआ करेंगे कि आप इसी प्रकार प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। मैं इस अवसर पर माननीय गौतम जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। खुशाल ठाकुर की रिपोर्ट।